सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म फिलअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ जी यू मतलब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरियस पोस्ट निकले हैं जिसकी वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर आपके पोस्ट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें, सब्जेक्ट वाइज, नेम वाइज टोटल वैकेंसी दी गई है जो इस प्रकार है। जहाँ एंथ्रोपोलॉजी के लिए है प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 6 पोस्ट, बॉटनी प्रोफेसर के लिए है 2 पोस्ट, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 6 पोस्ट, CSIT के लिए है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 6 पोस्ट, केमिस्ट्री प्रोफेसर के लिए चाहिए 2 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 5 पोस्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 पोस्ट। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 3 पोस्ट, एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के लिए आपके पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट, जिसमें 3 और 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए है एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट, जिसके लिए 1 पोस्ट है। सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसके लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 5 पोस्ट। इंग्लिश प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 3 पोस्ट। फॉरेंसिक साइंस के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 5 पोस्ट। फॉरेस्ट्री के लिए है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट। HRDC के लिए है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT इंजीनियरिंग के लिए है प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट। इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। लॉ के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 4 पोस्ट। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। मैनेजमेंट स्टडीज के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 पोस्ट। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट। फार्मेसी के लिए है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 पोस्ट। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के लिए है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7 पोस्ट। पॉलिटिकल साइंस के लिए है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। रूरल टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है 2 पोस्ट। इसके अलावा जूलॉजी के प्रोफेसर के लिए है 1 पोस्ट। सोशल वर्क के लिए है एसोसिएट प्रोफेसर, जिसके लिए 2 पोस्ट है। टोटल 121 पोस्ट आपको दिए गए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है आपकी 20 मई 2022, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके लास्ट डेट होंगे आपके 6/6/2022। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट से संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस रखा गया है, जिसमें मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपको अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार से एज रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो कैटेगरी वाइज होगी। अलावा सैलरी डिटेल के बारे में बात करें तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए GGU के रूल के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो GGU के प्रोफेसर वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें कैंडिडेट के कितनी संख्या में फॉर्म जाते हैं उनके हिसाब से की जाएगी, जहां पर आपके रिटर्न और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ggu.ac.in पर जाना होगा। होम पेज पर आपको GGU वेरियस प्रोफेसर रिक्वायरमेंट का लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से भरें। अप्लाई करने के दौरान आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट का बटन दबाना है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाके एक बार चेक कीजिए।
इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।